आज हम बना रहे हैं मैंगो खीर, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। 1 लीटर दूध है तो 1 मुट्ठी चावल लें। 1 मुट्ठी चावल को मैंने अच्छे से धोने के बाद 10-15 मिनट के लिए सोक कर दिया। 1 लीटर दूध है तो मैंने एक ही मैंगो लिया। मैंगो छोटे बड़े साइज़ का, छोटा हो तो थोड़ा पल्प के हिसाब से डाल दें, वैसे एक मैंगो काफ़ी हो जाता है 1 लीटर दूध के अंदर। अब इस दूध में बॉयल आ गया, अब हम इन चावल के पानी को ड्रेन कर देंगे और फिर इसके अंदर हम सबसे पहले चावल डालेंगे। अब सोख के हुए चावल इसके अंदर डाल देंगे। जैसे हम घर में खीर बनाते हैं ना, बिल्कुल पहले वैसे तो हमें खीर ही बनानी है, फिर उसके बाद जब हमारी ये खीर ठंडी हो जाएगी फिर हम इसमें मैंगो पल्प डालेंगे और थोड़े से मैंगो चंक्स भी डालेंगे, तो हमारी डिलीशियस ये मैंगो खीर तैयार हो जाएगी। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए चावल डालने के बाद, आप इसको फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, लेकिन बीच में एक एक दो दो मिनट के बाद इसको चलाते भी रहेंगे, जिससे हमारी खीर नीचे ना लगे। हमारी खीर पक के तैयार हो गई है। मैंने इसको लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिए, लेकिन बीच बीच में मैंने इसको चला दिया था। अब हम इसमें छोटी इलायची पीसी हुई और साथ ही एक केसर, जिसको मैंने गुनगुने दूध में भिगो दिया था, इसका कलर देखें कितना अच्छा आ गया, इसको भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और स्वादानुसार डालेंगे अब हम इसमें चीनी। मैं इसमें 4 चम्मच चीनी यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एक तो हमारी ये सिंपल वाली खीर बनकर तैयार हो गई, जो हम घर में अक्सर त्यौहार पर या खाने का जब भी मन करे तब बनाते रहते हैं, लेकिन मैं आज इसको एक मैंगो खीर बना रही हूँ, इसलिए अभी मैं इसको इसमें मैंगो भी मिक्स करूँगी। ये सिंपल खीर बनकर तैयार है। अब मैं गैस कर देती हूँ बंद और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसमें मैंगो मिक्स करेंगे। जब तक हमारी खीर ठंडी हो रही है तब तक हम मैंगो को भी पीस के भी रख लेते हैं और इसके चंक्स भी बना के रख लेते हैं। चंक्स भी हम इसी मैंगो में से ही बनाएंगे। एक मैंने इसका पीस निकाल लिया, बाकी का मैं पल्प तैयार कर लेती हूँ। अब हमारे ये मैंगो चंक्स भी तैयार हैं, पल्प भी तैयार है, जिसको मैं अभी मिक्सी में पीस रही हूँ। मैंगो पल्प भी तैयार हो गया। अब हमारी खीर ठंडी हो गई है, सबसे पहले इसको हम एक बाउल में डाल लेते हैं। अब इसमें ये मैंगो पल्प जो हमने बना के रखा है वो भी मिक्स कर दें। अब इसको ये मैंगो चंक्स के साथ सजा दें और फिर इसको फ्रिज में ठंडा रख के थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें और फिर इसको सर्व करें। हमारी शानदार मैंगो खीर बनकर तैयार है। आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।